कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए नागपुर के डॉक्टरों ने एक अनोखी पहल की है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी ने किया। नागपुर के 3 डॉक्टरों ने एक बॉक्स तैयार किया है, जिसे नाम कोवी सेप दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को विविध मेडिकल जांच के लिए ले जाने में इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इसके चलते नागपुर के डॉक्टर अनंत राजपूत, परीक्षित महाजन और डॉक्टर कड़ू ने इस कोवी से बॉक्स का निर्माण किया है। मेडिकल स्ट्रेचर पर फिट बैठने वाला ये बॉक्स पूरी तरह से एयर टाइट है। पेशेंट को ऑक्सीजन का सप्लाई, वेंटिलेटर लगाने की सुविधा इस बॉक्स में है। साथ ही 6 हैंड ग्लव्स भी लगे हैं। पेशेंट द्वारा छोड़ी गई सांस भी इस बॉक्स में फिल्टर होकर निकलती है। यह बॉक्स नागपुर के सरकारी मेयो हॉस्पिटल को दान स्वरूप में भेंट किया गया। भविष्य में जरूरत होने पर और भी कोई सेफ बॉक्स बनाने का दावा इन डॉक्टरों ने किया है। इसके फायदे मेनली हेल्थ केयर वर्कर को है, जो उस पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं या उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जैसे एम्बुलेंस ड्राइवर या स्ट्रेचर पकड़ने वाले लोग या उसके अटेंड करने वाले नर्स और डॉक्टर, उनको इसका फायदा है, ताकि उनका पेशेंट के साथ कम से कम संपर्क हो। दूसरा मेन फायदा है कि जिस रास्ते से ये जा रहे हैं पेशेंट, उस रास्ते में मिलने वाले लोग या वो पूरा पाथवे हमारा इन्फेक्टेड ना हो, ये चीज़ का हमको इससे फायदा मिल सकता है। ये पेशेंट को किन हालातों में ये फायदेमंद हो सकता है और कैसे कैसे? जो पेशेंट आइसोलेशन में रखे गए हैं, आइसोलेशन वार्ड्स में, अगर उनको आईसीयू में शिफ्ट करना है तो रास्ता भर जहाँ से वो शिफ्टिंग का रास्ता रहेगा, यूजुअली ये अलग अलग वार्ड होते हैं, या कोई आजकल जैसे बिल्डिंग अलग अलग असाइन हो रही है कि आइसोलेशन बिल्डिंग अलग है और आईसीयू बिल्डिंग अलग है, तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। हमने ऐसा देखा है कि इसमें लगभग 1 घंटे तक पेशेंट आराम से एसी के एटमॉस्फेयर में रह सकता है विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। साथ ही इसमें 3 सुविधाएं हमें दिखाई दे रही है, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और ग्लव्स की, उसके बारे में। ऑक्सीजन, जैसे ये पेशेंट्स को सांस लेने की दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है, तो ये पेशेंट जब भी आईसीयू के लिए शिफ्ट होंगे तो ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, नहीं तो ये ऑलरेडी वेंटिलेटर पे रहेंगे और एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए ये 2 बातों का ध्यान रखा गया है कि ऑक्सीजन देते आना चाहिए इन पेशेंट को, साथ में उनकी छोड़ी हुई सांस फिल्टर होके बाहर निकलनी चाहिए और वो सांस अंदर जमा ना हो, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत ना बढ़ जाए। तो वो बाहर निकलना ज़रूरी है पर फिल्टर होके बाहर निकले, इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। एट द सेम टाइम जो पेशेंट को वेंटिलेटर लगा है उसको भी फिल्टर्ड, उसका फिल्टर्ड एयर बाहर निकले और वेंटिलेटर सुविधा इस बॉक्स के अंदर लगाई जा सके, इस चीज़ का ध्यान में रखा गया। एक आखिरी क्वेश्चन है, ये इस तरह कोविड तो अभी आया है, कुछ 1 महीना हो गया जो ज़्यादा रुक गए, इस तरह की कहीं और मशीन्स या ऐसी पेटियाँ अवेलेबल है इंडिया में या महाराष्ट्र में? बॉक्स है अवेलेबल, पर वेंटिलेटर युक्त, जिसमें वेंटिलेटर या ऑक्सीजन ये पोर्ट्स या फिल्टर्ड एयर उसमें से बाहर निकले, ऐसी सुविधा नहीं है। ये जो मुख्य पॉइंट जो है। थैंक यू।